हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल, क्योंकि ना मैं आज कुछ ऐसा क्रिएट करने जा रही हूँ जो मैंने कभी पहले नहीं किया होगा। मैं ना कुछ ऐसा आपके लिए सोचती रहती हूँ जो लो बजट में भी हो और बजट फ्रेंडली हो, क्योंकि ना जरूरी है। चलो बातें तो बहुत हो गई, अभी ना हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले घर में पड़ा हुआ कोई भी कार्डबोर्ड ले ले, बाद में 22 इंच सर्कल में इसको कट कर लेना है। ध्यान रखें कि कार्डबोर्ड थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। अभी मैं कुछ ड्रॉ करने जा रही हूँ। स्वीटी, तुम बताओ कि मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे लगता है दीदी, ये शायद चंदा मामा है। एकदम राइट स्वीटी। नेक्स्ट हम फोम सीट लेंगे, उसके ऊपर लीव्स ड्रॉ करेंगे और उसको बाद में कट कर लेंगे। आप फोम सीट के बदले ड्रॉइंग सीट भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फोम सीट इसलिए यूज की है कि उसकी जो थिकनेस रहती है ना, वो ड्रॉइंग सीट की थिकनेस से थोड़ी ज्यादा रहती है। फिर बाद में मार्कर की हेल्प से लीव्स को हाईलाइट करेंगे। बाद में एक छोटा सा तार ले लेना है और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो, सेम उसी प्रोसेस में आपको लीफ में फिक्स कर देना है। गाइस, ये जो लीव्स की साइज है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले से ही ढेर सारे लीव्स को रेडी कर रखे हैं। नेक्स्ट हमें उसको मास्किंग टेप की हेल्प से कवर कर लेना है, बिल्कुल थ्री इडियट्स की तरह। और हाँ दीदी, आपको वो डायलॉग याद है थ्री इडियट्स का, जहाँ पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। हाँ स्वीटी, अभी तुम मजाक बंद करो। अरे भगवान, ये लड़की बिना कैसे कर लेती है। एनीवे गाइस, अभी हम हमारे क्राफ्ट पे फोकस करते हैं। अभी मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी यूज कर रही हूँ जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और इसी से हम डो बनाएंगे और बाद में उसको यूज करेंगे। गाइस, यहाँ पर वॉल पुट्टी के डो को स्टिक करने के लिए पानी का ही यूज करना है। यहाँ पे जो हम वॉल पुट्टी की हेल्प से सीट बनाएंगे, वो ध्यान रखें कि ज्यादा पतली ना हो। सो गाइस, पानी की हेल्प से इस पे फिनिशिंग देने के बाद हमें इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। बाद में हमें छोटा सा तार लेना है और इस तरह से मोड़ देना है। फिर एमसील की हेल्प से हमें अच्छी तरह से स्टिक कर देना है। अच्छी तरह से सूखने के बाद हमें सैंड पेपर की हेल्प से इसको स्मूथ कर लेना है और जितना भी डस्ट है उसको दूर कर लेना है। अभी मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक कलर की हेल्प से पूरे मून को ब्लैक रंग से भर दूंगी। Thank you.
गाइस मैंने यहाँ पर लीव्स पे कलर करने के लिए दो शेड का यूज किया हुआ है, जिसका नंबर और नाम मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। अगर आपको जो सेंटर में ब्लैक कलर है वो डार्क लग रहा है, तो आपको इस कलर की हेल्प से उसको लाइटन सेट दे देना। तो ऑलमोस्ट हमारा मून डेकोर रेडी हो चुका है, तो देखते हैं इसका फाइनल लुक। ये थी हमारी आज की वीडियो। डू लेट मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और ना वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ना इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना। एंड हाँ, मेरे पास कुछ स्पेशल है आपके लिए जो मैं अगले वीडियो में बनाने वाली हूँ। अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। बाय बाय।